हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने कुछ टॉप सेवन मशीन लर्निंग अप्रोचेस के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था और लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दैट इज़ एएनएन के बारे में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम क्लस्टरिंग मशीन लर्निंग अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट तो बेसिकली क्लस्टरिंग जो है आपका अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का टाइप है और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती क्या है उसके क्या क्या फ़ीचर्स है और वो किस तरीके से काम करती है वो मैं मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो ये जो है हमारी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का टाइप होता है जिसके अंदर हमारे पास जो है डेटा का जो है पैटर्न हमें नहीं पता होता तो जब हमें डेटा का पैटर्न नहीं पता होगा यानी कि हमारे पास इनपुट के साथ साथ आउटपुट नहीं होगा तो उस टाइम पे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हमारी क्या करती है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जो है वो हमारे सिमिलर डेटा पॉइंट्स जो होते हैं डेटा के अंदर उनको ग्रुप में डिवाइड कर देती है अब ग्रुप वो कैसे डिवाइड करेगी वो ग्रुप में डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी यानी कि डेटा के अंदर डेटा के पैटर्न्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी और उन सिमिलैरिटीज़ के बेस पे जो है हमारी मशीन लर्निंग एल्बोरिदम दैट इज़ क्लस्टरिंग जो है वो उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस टू वन अनदर अब डिस्टेंस टू वन अनदर का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्या होता है जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स में क्लस्टर्स में ग्रुप्स में हमारा डेटा डिवाइड हो रहा है वो इस कॉन्सेप्ट डिवाइड होता है डिस्टेंस टू वन एंड अदर के यानी कि अगर मैं एक क्लस्चर की बात करूँ तो उस क्लस्चर की जो बाउंड्री होगी वो जो है उसका जो डिस्टेंस है वो दूसरे डेटा पॉइंट से कितना रहेगा वो जो है डिसाइड करता है कि हमारा कौन से क्लस्चर के अंदर हमारा डेटा पॉइंट आएगा और इस एल्गोरिदम का जो गोल होता है वो ये होता है कि हमें जो है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है डेटा के अंदर से विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एंड लेबल्स एसोसिएटेड विद द डेटा जब मैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का जो टेक्निक है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा था उसके बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर जो है हमारे पास डेटा का जो है लेबल्स जो है वो कम्प्लीटली नहीं होते अब डेटा के लेबल्स कम्प्लीटली ना होने का मीनिंग है कि उसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो जो है कम्प्लीट लेबल्ड नहीं होता है जहाँ पे भी हमारे पास डेटा कम्प्लीटली लेबल्ड नहीं होगा उस डेटा का स्ट्रक्चर हमें नहीं पता होगा तो वहाँ पे जो है हम क्लस्टरिंग एलगोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या कर लेती है विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ डेटा वो जो है उसके अंदर से पैटर्नस को आइडेंटिफाई कर लेती है अब यहाँ पे बहुत सारी आपके डिफरेंट क्लस्टरिंग एलगोरिदम्स हैं और सभी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं सभी की कुछ वीकनेस है तो यहाँ पे कुछ मैं आपको मोस्ट कॉमन क्लस्टरिंग एलगोरिदम्स के बारे में बताऊँगा जो कि करंटली जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं अब इसके अंदर सबसे पहला आता है के मीनस क्लस्टरिंग सेकेंड आती है हेरिकल क्लस्टरिंग और थर्ड आती है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग आप ये जो है इस वीडियो के अंदर हम क्लस्टरिंग का सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्लस्टरिंग होती क्या है क्या उसका काम होता है किस तरीके से वो वर्क करती है और कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स क्या है और मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा कि क्लस्टरिंग की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं बट आने वाली वीडियोस के अंदर थ्रू आउट द सीरीज़ हम फ्यूचर में जितनी भी क्लस्टरिंग एल्बोरिदम है जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस की गेम वेंस क्लस्टरिंग हेरिकल क्लस्टरिंग डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग उनको जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ क्लस्टरिंग की तो वो कुछ इस तरीके से काम करती है कि लेफ़्ट साइड में जो है आपका रो डेटा होता है जिसके अंदर जो हमारा डेटा है वो क्या होता है मिक्सड फॉर्म में होता है अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इस डेटा के अंदर हमें सिर्फ इनपुट है हमारे पास हमारे पास आउटपुट नहीं है तो इस डेटा के अंदर जो है हम हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट इज़ स्पेसिफ़िकली क्लस्टरिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हमारी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जो है बेस्ड ऑन द ऑफ डेटा वो क्या करेगा हमारे इनपुट डेटा को आउटपुट के साथ जो है प्रोड्यूस कर देगा और यहाँ पे हमें जो है आप देखेंगे तीन क्लस्टर्स डिवाइड हो गए हमारे फ्रूट्स के जो कि मिक्स्ड फॉर्म में थे बट यहाँ पे बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ पैटर्न्स हमारी एल्गोरिदम ने क्या किया इन डेटा को जो है क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अब यहाँ पर जो है हम कुछ मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जहाँ पे क्लस्टरिंग का यूज़ होता है अब इसके अंदर जो है डेटा एनालिसिस के अंदर भी जो है क्लस्टरिंग का यूज़ किया जाता है और अगर और डिटेल वे में बात करूँ जो कि स्पेसिफिक एप्लीकेशनस है क्लस्टरिंग की उसके अंदर आता है हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन अब कस्टमर सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है आपने देखा होगा आप जब भी किसी भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर या किसी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर जो है हर एक यूज़र का डेटा जो है अलग होता है और हर एक यूज़र का इंटरफेस जो है अलग होता है अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर YouTube की बात करूँ तो आप ये ट्राई भी कर सकते हैं कि आप जब भी अपने YouTube ऐप को ओपन करेंगे आपका जो डेटा आपकी जो वीडियोस आपको दिख रही होंगी वो अलग होंगी और किसी दूसरे इंडिविजुअल पर्सन की जो वीडियोस होंगी वो अलग होगी बिकॉज़ इसके पीछे रीज़न है हमारी क्लस्टरिंग एल्गोरिजम का जहाँ पे कस्टमर सेगमेंटेशन का प्रोसेस वर्क करता है और हर एक कस्टमर का डिफरेंट डेटा होने की वजह से जो है वो जो है हमें डिफरेंट वीडियोज जो है हमारा यूट्यूब हमें प्रोवाइड करता है नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसके अंदर हमारी इमेज एंड टेक्स्ट एनालिसिस। अब इमेज और टेक्स्ट एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी हमारे पास इमेजेस होती हैं टेक्स्ट होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन द पैटर्न्स अब इसके अंदर जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगनाइजेशन जिसको हम ओ के नाम से भी जानते हैं वो यहाँ पे काम में आती है और इसके अंदर जो है हम किसी भी इमेज के अंदर से टेक्स्ट की फॉर्म में जो है डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गूगल लेंस अब गूगल लेंस के अंदर क्या होता है आप अगर किसी भी फोटो को स्कैन करेंगे तो गूगल लेंस आपको क्या करेगा बेस्ड ऑन द पैटर्न बेस्ड ऑन द इमेजेस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वो जो है आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा थर्ड एप्लीकेशन इसके अंदर आती है हमारी एनामली डिटेक्शन अब एनोमली डिटेक्शन का मीनिंग है कि बेसिकली हमें एरर को डिटेक्ट करना है और इसका सेकेंड नेम आप बोल सकते हैं एरर डिटेक्शन अब एरर डिटेक्शन का कहाँ पे यूज़ होता है अब जितने भी हमारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं अगर हमें उनकी टेस्टिंग करनी है अगर हमें उन कोई कोड्स के अंदर एरर डिटेक्ट करना है तो अगर थाउजेंड्स लाइन ऑफ़ कोड है तो एक बार वो इंडिविजुअली ह्यूमन जो है उस कोड को डिटेक्ट कर सकता है उसके एरर को बट अगर मिलियंस ऑफ लाइन में अगर वो कोड है तो वहाँ पे हमारा काम में आता है मशीन लर्निंग एप्लीकेशन दैट इज़ क्लस्टरिंग की एनोमली डिटेक्शन जहाँ पे हम कोड को जो है एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं और उसके अंदर से जितने भी एनोमलीज है एरर्स है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं अब इसके अंदर क्या होगा हम हमारी मशीन लर्निंग एल्बोदम को क्या करेंगे उस एनर्ज डिटेक्शन के डेटा से फेडअप कर देंगे जहाँ पे जो है हमारी मशीन इतनी ट्रेन हो जाएगी इतनी कैपेबल हो जाएगी कि वो क्या कर सकती है किसी भी एनोमली को डिटेक्ट कर सकती है तो ये जो है हमारी तीन मशीन लर्निंग एप्लीकेशन थी हमारी क्लस्टरिंग की और यहाँ पर हमने क्लस्टरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि, कि किस तरीके से क्लस्टरिंग काम करती है थैंक यू